Hello student, myself Ajay Saini and I am physics faculty at CLC Sikar, and today we are here to discuss the solution of caste admission cum scholarship test which is held at Haryana. 10th class ka paper hai jisme physics ka jo questions hai wo 1 to 14. So first question hai apne paas mein. A real object and its image lying on opposite side of the pole on the principal axis at the same height and depth from principal axis. To get this situation, which type of lens or mirror we should place between object and image? That means, agar hame koi bhi mirror ya lens object or image ke beech mein rakhna hai. That means, in case of mirror, jo object hoga, वो मे बी रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, और उसके अपोजिट जो इमेज होगी वो रियल की वर्चुअल होगी और वर्चुअल की रियल होगी. इसका मतलब फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है और इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, तो जो अपना कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है. तो लेकिन जब ये रियल का वर्चुअल बनाता है तो जो इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है. दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के से किसी हाइट पर है तो इमेज भी उसी हाइट पर या उससे अधिक हाइट पर होगी. तो अपने को ऑप्शन गिवन है कि प्रिंसिपल एक्सिस से सेम हाइट और डेप्थ पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर नहीं हो सकता. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियल का वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल का वर्चुअल बनाता है. लेकिन जब ये रियल का वर्चुअल बनाता है, ठीक है, तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन कॉन्वेक्स जो मिरर है वह भी इसका आंसर नहीं हो सकता है. तीसरा जो इसके अंदर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस. जब अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सामने रखा हो और इमेज इसके अपोजिट साइड में बन रही हो, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वह भी रियल है और जो इमेज है वह भी रियल है. तो जो लेंस है अपना कॉनकेव वो रियल का रियल बनाता है और रियल का वर्चुअल भी बनाता है. लेकिन जब ये रियल का रियल बनाता है, क्योंकि अपने को तो दोनों साइड में चाहिए, तो रियल का रियल, अगर वर्चुअल बनना होता तो ये इस साइड में अपोजिट सेम साइड में होता. और अपने को क्या दिया हुआ है कि लेंस बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब इमेज इधर है तो इसका ऑब्जेक्ट इधर होगा. इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इसकी कैसी होगी, रियल होगी. और दूसरी बात यह है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हम यूज ले रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो रियल इमेज बन रही है तो वो जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी और जो उसका मैग्निफिकेशन है इक्वल टू भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. तो ये रियल के लिए रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, जबकि कॉनकेव लेंस से वो रियल का रियल बनाता है लेकिन उसका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd ऑप्शन. नाउ सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में. ए लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास having refracting index 1.5, what is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3×10⁸ meter per second. In given question, जो light है वो air to glass के अंदर enter कर रही है, जिसका relative refractive index है वो given है 1.5. And we know that कि relative जो refractive index होता है RI, वो होता है velocity of light in first medium एंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. तो फर्स्ट मीडियम जो अपना है वो एयर है, तो एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो सी लाइट 3×10⁸ के बराबर होती है. एंड जो सेकेंड मीडियम है अपना वो क्या है, ग्लास है, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वी एज्यूम दैट कि ये वी होगी. तो नाउ व्हाट इज गिवन, लाइट की वेलोसिटी गिवन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वी गिवन नहीं है एंड म्यू रिलेटिव गिवन है जो कि 1.5 गिवन है. तो वी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3/2. तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन का वो होगा मीटर पर सेकेंड.
तो ऑप्शन में देखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, सो दैट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर. एज वी नो दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस एज इज गिवन इन क्वेश्चन एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस इज 0.4 मीटर एंड द पावर ऑफ एनी लेंस will be 1 upon focus length in meter या फिर 100 f in centimeter. ठीक है, तो अपने पास में जो focal length है वो meter में given है, तो अपन first formula use करेंगे 1 upon 0.4 meter. तो जो इसकी value है after divide we get 2.5 diopter positive. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ विल गिव द पॉजिटिव पावर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.5 एंड डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट लाइट व्हेन लाइट वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए थिन वॉल्ड होलो ग्लास प्रिज्म. ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा. होलो ग्लास प्रिज्म का मतलब इसके बीच में कुछ एयर पार्ट है, कुछ इस टाइप से होगा. तो इसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो फर्स्ट स्प्लिट होगी, देन फिर वो इस प्रकार से जाएगी, फिर किसी पॉइंट पे, तो जो इस किसी भी होलो थिन प्रिज्म में जो रे डायग्राम होगा वो किसी इस प्रकार से होगा. दैट मीन्स अगर वाइट लाइट अगर एंटर कर रही है तो जो निकलेगी वो भी वाइट लाइट होगी. ठीक है, तो इमरजेंट लाइट भी जो होगी वो वाइट लाइट होगी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड. फिफ्थ क्वेश्चन, What is the power of the eyeglass worn by a person whose far point is 5 meter? तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति है जिसने कोई ग्लास पहन रखा है और जिसका फार पॉइंट दैट मीन्स जो मैक्सिमम विजिबल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो 5 मीटर है. इसका मतलब हर बार जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पे होगा तो दिखाई देगा एंड 5 मीटर के अबव इसको दिखाई नहीं देगा. तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आई के लिए वो 5 मीटर पे होना चाहिए, लेकिन ग्लास के लिए ये इमेज होगी. तो जो लेंस होगा उसके लिए जो फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, तो आई के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 5 मीटर होनी चाहिए. तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी फॉर ए ऑब्जेक्ट वो है 5 मीटर एंड माइनस, क्योंकि ये लेंस के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो गया, माइनस 1/u. u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है एंड इक्वल टू 1/f. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो f की जो वैल्यू है वो 1/f की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस 0.2 डायोप्टर. पूछा है अपने को पावर ऑफ द लेंस, तो 1/f की जो वैल्यू है वही पावर होता है. तो आंसर होगा इसका नेगेटिव 0.2 डायोप्टर. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास. व्हाट वी नो द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव. ठीक है, तो जो लाइट है वो एक वेव है जो कि ट्रांसवर्स वेव होती है. तो उसका रिलेशन गिवन है कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव वेलोसिटी हुआ करता है और फ्रीक्वेंसी सोर्स का फंक्शन होता है. ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा एंड वी गोर व्हेन वी गो फ्रॉम वॉयलेट टू रेड कलर तो इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज. ठीक है, तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी वो रेड कलर के लिए होगी और जिसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसके लिए वेलोसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो जो फास्ट स्पीड होगी वो होगी रेड कलर की. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर. एज वी नो कि जो चार्ज होता है उसका रेट करंट
होता है dq by dt, that is equal to current in the circuit. And जो current की value है वो given है 0.1 ampere, and dq की value total charge q है, और time जो given है वो 1 hour given है. तो 1 hour का मतलब है 60 minute and 60 seconds. तो total जो seconds होती है 1 hour में वो होता है q divided by 3600. तो total जो चार्ज होगा वो होगा 36 multiply with 0.1 and it will be equal to 360 coulomb. तो right answer of this question is second option, which is given in 360 coulomb. Next question, at a cylinder of a material 10 cm long and has a cross section 2 cm square, if its resistance is R, then what will be its resistance if its length become double and area becomes half? So, jo resistance ka jo formula hota hai, hota hai resistivity multiply with length and divide by area of the cross section. So, jo resistance hai is directly proportional to length and inversely proportional to area. और किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, जो कि मेटल टू मेटल डिपेंड करती है. तो फर्स्ट कंडीशन में जो अपना रेजिस्टेंस गिवन है वो R है. सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया कि लेंथ बिकम्स डबल एंड एरिया बिकम्स हाफ. तो वैल्यूज पुट कर देंगे कि लेंथ क्या हो गई है, ट्वाइस टाइम हो गई है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ट्वाइस टाइम हो जाएगा और एरिया को हाफ किया है. तो अपन वैल्यूज डाल देते हैं. तो राइट, तो आंसर इसका 4R. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, इन विच गिवन 4R. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर. दिए गए डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. एज इन गिवन इन डायग्राम 8 ओम और 8 ओम जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं. तो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So 1 upon 8 plus 1 upon 8. और ये जो हो जाएगा अपना R equivalent की value जो आएगी वो आएगी 4 ohm. तो इन दोनों का जो equivalent है वो 4 ohm आ गया है. 4 और 6 वो है series में है. तो series में जो R equivalent का formula होता है वो होता है R1 plus R2 डेस. हम मैंने difference रखने के लिए लगाया यहाँ पे. तो R1 डेस की जो value है वो R equivalent के बराबर होगी 4 ohm plus 6 ohm and that will be 10 ohm. ठीक है. अब 3 और 7 also in series, then इनका जो sum होगा वो 3 plus 7 10 ohm होगा and 10 ohm और 10 ohm फिर again किस में है, parallel के अंदर है. तो parallel combination में फिर यही rule follow होगा जिसके अंदर 1 upon 10 plus 1 upon 10 जो कि 2 upon 10 and it will be equal to 1 upon 5. तो R equivalent जो आएगा अपना, या अपन बोलें कि 1 upon जो R equivalent है net वो है 1 upon 5. तो R equivalent is equal to 5 ohm. ठीक है. तो options देखेंगे तो ये अपने पास में first ऑप्शन में गिवन है 5 ओम. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है. फॉर द टू सर्किट फर्स्ट एंड सेकंड, जैसा कि गिवन है, द आइडियल वोल्टमीटर रीडिंग वुड बी. आइडियल वोल्टमीटर V1 एंड V2 गिवन है, जिनकी रीडिंग्स फाइंड करनी है. तो फर्स्ट अपन ये देखेंगे कि 2 ओम और 7 ओम कनेक्टेड है सीरीज में, और जो 3 वोल्ट है वो इसके और इसके पैरेलल में कनेक्टेड है. तो अगर इसके अक्रॉस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सभी में सेम होता है. तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V होगा तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V के बराबर होगा, और V की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट. ठीक है. फिर अगेन 5 ओम और 2 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में है,
तो 5 ओम के अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, एंड 2 वोल्ट के अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, और जो रीडिंग होगी वो भी इसी के बराबर होगी। तो V2 के जो आंसर होगा वह भी 3 वोल्ट आएगा। तो जो दोनों की रीडिंग सेम V1 और V2 वो बहुत 3 वोल्ट होगी, और ये गिवन है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड वोल्ट इन वोल्ट सर्किट्स, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। नाउ 11th क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्टेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, फिर भी गिवन है, एंड कहा गया है एज वी नो कि जो सोलेनोइड होती है उसके जो सेंटर में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और उसका जो वैल्यू होता है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, जहाँ पे ये कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ साइकिल है इसके अंदर, और आई फ्लोविंग करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो म्यू नॉट एन आई होगी, और एंड्स पे जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। तो हम सेंटर से जब एंड की तरफ जाएंगे तो जो म्यू नॉट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, एंड म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 तक डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन में गिवन है डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, तो ये सही ऑप्शन है कि जैसे जैसे अपन एंड्स की तरफ जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 तक डिक्रीज होगी, एंड इज जीरो एट ए, इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर ये पॉइंट एंड पे होता तो ये म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 के बराबर होता। सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, जब हम यहाँ से एंड्स की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इस सेम एट ऑल पॉइंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर पे जो वैल्यू है इसकी म्यू नॉट एन आई है, और एंड्स पे जो वैल्यू है अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की होती तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 होता। तो इसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिफरेंट है, और जब हम सेंटर से एंड्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है। तो ये जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है फर्स्ट ऑप्शन, एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड इट विल डिक्रीज। 12th क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्सेज। फोर्सेज की डायरेक्शन पूछिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है कि वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, और प्रोटॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एज वी नो कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, बट इन सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड को जो डिनोट करते हैं वो बी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से जा रहा है। तो वी नो कि फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, और ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इस प्रोटॉन के लिए अपन फोर्स की जो डायरेक्शन निकालेंगे तो वो राइट हैंड थंब से निकालेंगे, तो क्यू वी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्यू वी क्रॉस बी। तो थंब की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट टू दी प्लेन है, तो प्रोटॉन के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट टू दी प्लेन आएगी, जिसको हम डॉट से डिनोट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव होगी, इसका मतलब एक नेगेटिव इसका रहेगा। देन क्यू वी क्रॉस बी, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ये जो फोर्स होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए भी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक की वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए जो फोर्स की जो डायरेक्शन है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू दी प्लेन है, तो बोथ पॉइंटिंग इन टू दी प्लेन ऑफ दी पेपर। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो है इसका राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन, इन वन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 3×10⁻¹ जूल ऑफ एनर्जी इज मेड अवेलेबल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फ्यूजन नेसेसरी पर सेकेंड टू जनरेट पावर ऑफ 15 किलो वोल्ट। तो नंबर ऑफ फ्यूजन या नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड जो होता है वो होता है पावर डिवाइड बाई
एनर्जी इन वन फीजन, ठीक है। तो पावर जो गिवन है वो 15 किलो, दैट मीन्स 10 की पावर 3 वॉट में गिवन है, एंड जो एनर्जी गिवन है वो गिवन है 3 × 10⁻¹ⁱ जूल। तो 3 का 5 में डिवीजन करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, एंड ये ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁴ एन बाई टी की वैल्यू आएगी। तो अपने पास में जो पूछा है वो पूछा है पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब टी की जो वैल्यू है वो 1 होगा, तो नंबर ऑफ फीजन्स होंगे एन इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁴। किसमें गिवन है ये 5 × 10⁻¹⁴? फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो राइट आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन 5 × 10⁻¹⁴। वॉट इज द करंट इन द सर्किट, सर्किट गिवन है जिसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट अपन इस सर्किट को शॉर्ट करके लिखते हैं। तो एज वी नो कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा, और फिर ये वाला 1 ओम और ये 1 ओम दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो दोनों का जो सम होगा वो 2 ओम के बराबर होगा। फिर ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम फिर दोबारा किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। तो इस सर्किट को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। टू वोल्ट और ये है 1 ओम, एंड ये होगा I। तो शॉर्ट सर्किट ऑफ दिस इज 2 वोल्ट की बैटरी लगी है 1 ओम के रेजिस्टेंस से। अब करंट पता करना है तो हम इसके अंदर केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाएंगे तो 2 वोल्ट की बैटरी के लिए 2 वोल्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड फ्लो होता है। तो अगर करंट पॉजिटिव एंड में एंटर करता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस के साइन से तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर होगा। आई की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू 1 ओम गिवन है। बराबर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केवीएल, 0 होना चाहिए। तो आई इक्वल्स टू 2/1, इट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो आई की वैल्यू है सर्किट में वो 2 एम्पियर के बराबर आ रही है, और ये अपने को गिवन है सेकेंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। Thank you, students, and best wishes.